नमस्ते सत श्री अकाल सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, कल मैंने कहा था आप लोगों से कि अगर आपको एक्स और नेक्स्ट की फीलिंग्स को लेके डिफ़िकल्टीज हो रही है कि किसको चुनें और किसके साथ मूव ऑन करें, किसको रिलीज करें, तो आज की रीडिंग में हम ये चेक करेंगे कि आपके एक्स की फीलिंग्स आपके लिए क्या है और आपके नेक्स्ट की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। मतलब जो करंट पार्टनर आपके हैं या फिर एक्स हैं, जैसे कि आप बहुत दिन से बातचीत नहीं कर रहे हो, उनकी तरफ से आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। और कोई न्यू लव अगर आपके लाइफ में है या फिर कोई न्यू प्रपोजल है या फिर कोई शादी का प्रपोजल है, फिर कुछ भी कोई न्यू कनेक्शन है, और न्यू कनेक्शन वो जो आपके लाइफ में ऑलरेडी है, उनकी फीलिंग्स हम देखेंगे। तो किसी एक पर्सन को सोच के आपको ये रीडिंग देखनी होगी अगर आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन है तो। सो ये एक पर्सन के लिए होंगी जो रिसेंटली आपके लाइफ में अभी है। अगर आप फ्यूचर में कोई न्यू लव के बारे में अगर आप सोच के देख रहे हो तो ये रीडिंग मैच नहीं करेगी। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान है ऑलरेडी, कोई दो लोग ऑलरेडी हैं, उनकी फीलिंग्स को आप चेक कर सकते हो इस रीडिंग के थ्रू, ठीक है। सो आपके लाइफ के डिसीजन आपको इस रीडिंग के बेस पे नहीं लेना है बिल्कुल भी। इसे एज गाइडेंस आप देखें, गाइडेंस जो मिलती है उसे ज़रूर फॉलो करें और अपने लाइफ के सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है। इस रीडिंग के बेस पे आपको डिसीजन नहीं लेना है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत कुछ आपके साथ मैच जरूर करती है, बहुत लोगों के साथ ज़रूर मैच करती है एनर्जीज, लेकिन कभी कभी चीज़ें आपके साथ मैच नहीं करती हैं। सो अगर आपके साथ ये रीडिंग मैच नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती का इस सिचुएशन में अपने आप को फिट इन करने की कोशिश ना करें और कोई गलत डिसीजन अपने लाइफ में ना ले, ओके? सो मैं सिर्फ गाइडेंस आप लोगों को दे सकती हूँ, बाकी डिसीजन आप लोगों के सिचुएशन को देख के, आपके लाइफ के ऑब्स्टिकल्स को देख के, आपकी लाइफ की और भी चीज़ों को देख के आपको डिसीजन लेना है, ओके? सो ये टाइमलेस रीडिंग है। रीडिंग जब भी आपके सामने पॉपअप हो तो कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इससे ज़रूर मिल सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, इतना आपको ज़रूर दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करेगी ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो चीज़ें मैच करती है उसे एज गाइडेंस ज़रूर देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ, ओके? सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इन टू द रीडिंग। टर्न प्लीज गाइड। मेरे व्यूअर्स के करंट या एक्स की फीलिंग्स क्या है डिवाइन, और उनके न्यू लव। ओके, सो यहाँ पास्ट लाइफ निकल के आया है और यहाँ लेजीनेस आया है, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक जो है वो मोरालिटी है। ओके, प्लीज गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के कार्ड्स खुद से उछल के आए हैं, मुझे निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। रिलीज योर पास्ट। केमिस्ट्री। न्यू लव के लिए गाइडेंस है डिवाइन। Leave your passion, unconditional love, proposing, so कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास्ट लाइफ लवर हो सकते हैं आपके एक्स, ठीक है। इसलिए आपको इनसे इतनी इंटेंस फीलिंग होती है, केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा फील होती है, इनसे दूर जाके आपको बेचैनी होती है, रेस्टलेसनेस फील होता है, ऐसा हो सकता है। सो जो चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं वही चीज़ें रखें, आपको पता है आपकी लाइफ, आपकी सिचुएशंस, ओके। ट्वेंट प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स के एक्स की फीलिंग्स उनके लिए क्या है डिवाइन, उनके एक्शन, उनके इंटेंशंस क्या है डिवाइन। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। चाहते क्या हैं डिवाइन, इनके एक्स क्या चाहते हैं। ओके,
stop sticker. Within 3 months, क्या action receive करेंगे मेरे viewers अपने ex partner से? लॉन्ग टर्म आउटकम क्या रिसीव करेंगे डिवाइन? लॉन्ग टर्म आउटकम में मेरे व्यूअर्स अपने एक्स पार्टनर के साथ क्या रिसीव करेंगे आउटकम? नाइट ऑफ वॉन्स की एनर्जी है यहाँ पे ओवरऑल. मेरे व्यूअर्स के न्यू लव की फीलिंग्स बताएं डिवाइन. मेरे व्यूअर्स की न्यू लव की फीलिंग एक्शन इंटेंशन क्या है? One more time, please. Juggling. Beautiful. Intention. The Empress. Tower. Within 3 months, मेरे viewers अपने new love से क्या outcome receive करेंगे divine? सारे reverse में ही हैं card. सारे card reverse में ही हैं. My goodness. Bottom of the deck है 2 of Wands. Okay. Visible हैं cards. Okay, मैं signs अगर बताऊँ आपके ex partner की तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Libra, Aquarius, Gemini. टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन सारी एनर्जीज है ठीक है. सारे एलिमेंट्स यहाँ पे हैं. ऑल साइंस रीडिंग हैं. सो अगर आप एक्स के लिए जाना चाहते हैं कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है तो ये इंसान जो है आपके पास्ट लाइफ लवर हो सकते हैं. आपके साथ इनका पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है वेरी स्ट्रॉन्ग ठीक है. और मुझे यह एक पास्ट लाइफ नहीं दिख रहा है. ये लाइव्स बहुत सारे पास्ट लाइव्स आपने एक साथ आपने जिए हैं और इसलिए आप अपने पार्टनर के लिए इतना इंटेंस फील करते हो. अगर आप उनसे सेपरेट होना भी चाहते हो तो नहीं हो पाते हो क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ है जो अनरिजॉल्वड है. जो पास्ट लाइफ का कनेक्शन हमारा होता है ना उससे हमारा कुछ ना कुछ बकाया होता है. इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है आपको ताकि अगर आप अपने एक्स को छोड़ के किसी नेक्स्ट के साथ मूव ऑन भी कर रहे हैं तो यहाँ की चीज़ें वहाँ रिपीट नहीं होनी चाहिए. इसलिए बहुत ध्यान से इस रीडिंग को समझने की कोशिश कीजिएगा. बहुत सुंदर स्प्रेड है जिससे कि आपकी आंखें खुल सकती हैं जिससे कि आपको बहुत क्लैरिटी मिल सकती है ठीक है. सो ये इंसान आपकी लाइफ में या तो आपने मांगा है इनको या फिर आपके साथ इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है. कुछ ना कुछ ऐसा है जो बकाया है जो कि पूरा करना है आपको. अनरिजॉल्वड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि रिजॉल्व नहीं हुई है. सो या तो ये इंसान आपके कार्मिक होंगे या फिर ये इंसान आपके सोलमेट होंगे या फिर ये इंसान आपके ट्विन फ्लेम्स होंगे. कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन इनसे आपका ज़रूर है आपके पास्ट लाइफ आपके एक्स के एक्स पार्टनर के साथ ठीक है. सो लीव योर पास्ट. यहाँ पे रिलीज योर पास्ट लिखा है. यहाँ पर रिलीज योर पास्ट है ठीक है. रिलीज योर पास्ट का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके चलते आप दोनों एक ही साइकिल में हैं. यहाँ केमिस्ट्री भी दिया है ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि एक कार्मिक पैटर्न आप लोगों के लाइफ में चल रही है. एक सेम चीज़ें रिपीट हो रही है ऑन एंड ऑफ. सेपरेशन यूनियन फिर दिल दुखाना फिर सॉरी बोलना फिर वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं. या फिर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट फिर ठीक होते हैं फिर थोड़े दिन सही से रहते हैं फिर थर्ड पार्टी में चले जाते हैं. सो ये इसलिए क्योंकि रिलीज़ करना है. अब रिलीज़ क्या करना है आपको? पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वो आपको आपने उनको दुख तकलीफ कुछ दिया था जो कि आपको वो इस लाइफ में वापस कर रहे हैं. सो आप अपने पार्टनर को देखिए और समझिए कि वो आपको किस चीज़ में ट्रिगर कर रहे हैं. अगर वो आपको थर्ड पार्टी से ट्रिगर कर रहे हैं तो आपको
कुछ चीज़ें रिलीज करनी होंगी जिसकी गाइडेंस मैं बहुत जल्द लेके आऊँगी अपने दूसरे चैनल पे। मेरे दूसरे चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कभी भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पर्सन के लाइफ में क्यों आती है इसकी एक क्लियर गाइडेंस मैं ज़रूर उस चैनल पर पोस्ट करूँगी विद इन कुछ दिनों के अंदर ही करूँगी, ठीक है। सो रिलीज योर पास्ट, होपोनोपोनो प्रेयर से आप इस चीज़ को रिलीज कर सकते हैं। अपने पार्टनर और आपके बीच में जो भी चीज़ें ऑब्स्टिकल हैं अभी, इसका मतलब यह है कि वो चीज़ें आपने अपने पार्टनर के साथ पास्ट लाइफ में किए थे, एक ये हो सकता है। या फिर आपने कुछ ऐसी चीज़ें इस लाइफ में किसी और इंसान के साथ आपने किया है जो कि आपके पार्टनर आपको मिरर कर रहे हैं उन चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए। जब वो चीज़ें आप रिलीज़ कर दोगे तो आपका यूनियन जो है वो अपने पार्टनर के साथ हो जाएगा और केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो जाएगी आपके पार्टनर के साथ, जैसे आपने एक्सपीरियंस किया था जब आप मिले थे उनसे, ठीक है। वो बबल फेज, वो फिर से वो केमिस्ट्री आपकी वापस इस रिश्ते में आ जाएगी जो आपने एक्सपीरियंस किया है अपने पार्टनर के साथ जब आप इस रिश्ते में आए थे, मतलब जब नया नया कनेक्शन था उस टाइम जो आपने फील किया था पैशन, वो पैशन आप फिर से फील करोगे जब आप अपने पास्ट को रिलीज करोगे। ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, इसलिए पास्ट लाइफ का ही कोई चीज़ ऐसा है जो कि आपको रिलीज करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपकी ये जो लाइफ है और ये जो रिश्ता है उसके जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो रिलीज़ हो पाए। एक तो ये चीज़ हो सकती है, अगर ये आपके कार्मिक पार्टनर है और बहुत ज़्यादा एब्यूसिव रिश्ता है आपका, आपको आपके ऊपर हाथ उठाते हैं या फिर आपको इनके साथ जब आप बात करते हो तो आपको लगता है कि आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन्ड हो गई है या फिर आप अंदर से ही आपको खुशी नहीं मिलती इनसे बात करके, तो ये आपके कार्मिक है। और जैसे अपना पास्ट आप रिलीज़ करोगे ना तो ये इंसान आपकी लाइफ से निकल जाएंगे और उसके बाद जो आपके लाइफ में न्यू लव आएंगे उनसे आपकी जो भी इस रिश्ते की जो भी शैडो हम कहते हैं उस रिश्ते पे नहीं पड़ेगी, ठीक है। वो रिश्ता आपका बहुत सुंदर हो जाएगा, उसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप इस एनर्जी को लेके किसी और रिलेशन में जा रहे हैं नए रिश्ते में, सो ये सेम शैडो आपको वहाँ भी फेस करना होगा कुछ दिन के बाद, ठीक है। सो इसको बहुत क्लियर हो गया है फर्स्ट हमारा जो स्प्रेड है उससे ही, ठीक है। अब ये इंसान चाहते क्या हैं, इनकी फीलिंग्स क्या है, ये आपसे एक पैशनेट रिश्ता चाहते हैं, ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं जो कि ये नहीं कर पा रहे हैं। ये एक्सप्रेसिव नहीं होंगे ज़्यादा, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाने वाले एक इंसान हो सकते हैं जो कि अंदर फील बहुत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं फील, लेकिन वो बोल नहीं पाते आपको। और जब आप उनसे मिले थे तो वो बहुत एक्सप्रेसिव थे, लेकिन आपके मिलने के बाद उनका थ्रोट चक्र और हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया है। ये उनकी अवेकनिंग ट्रिगर हुई है आपसे कि उनका ब्लॉकेज स्टार्ट हुआ है ताकि वो इनको हील करके अपनी अवेकनिंग कर सके। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे एक न्यू बिगनिंग ज़रूर करना चाहते हैं, एक पैशनेट रिश्ता आपके साथ ये फील करते हैं, एक ऐसा रिश्ता जो कि ये इनको किसी और के साथ फील नहीं होता है। और आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कि अपने पास्ट के पर्सन से ही ये जो एक पैशन है वो फील कर पाते हैं, एक पुल फील कर पाते हैं जो कि आप और किसी इंसान के लिए फील नहीं कर पाते होंगे। इंटेंशन इनके क्या है, ये आपके साथ अपने लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ये बहुत कुछ करना चाहते हैं आपके साथ, ट्रैवल, आपके साथ बहुत सारे क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं। सो ये सेवन कप्स जो है ना वो अलग अलग चीज़ों की इनके डिज़ायर्स को बता रहे हैं, ठीक है। कहीं घूमने जाना, आपको किसी ऐसे ड्रेस में देखना या फिर आपकी हायर सेल्फ से मिलना, आपको प्रपोज करना, आपके साथ शॉपिंग करना, अलग अलग चीज़ों को बता रही है, आपके साथ अवेकनिंग होना इनकी, अलग अलग इनके डिज़ायर्स को बता रही है। ये इंसान बहुत डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं आपको लेके, ऐसा लग रहा है आपको लेके बहुत सपने देखना, बहुत सारे इल्यूजन मतलब इमेजिनेशन इनकी इमेजिनेशन में आप हो ऐसा लग रहा है, दिन रात आपको सोचना, आपके साथ बहुत बहुत कुछ प्लान करना। सो 5D में आपके साथ रीयूनाइट है ये इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है। इनकी सोल और आपकी सोल बहुत कनेक्टेड है, जैसे कि सेपरेट होने के बाद भी आप दोनों को सेपरेशन फील नहीं होता, आपको लगता है कि आप साथ ही हों, ऐसा लगता है, ठीक है। ये इंसान चाहते क्या हैं, ये इंसान आपकी तरफ सडन एक्शन लेना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोगों के लिए। और बहुत चांसेस हैं कि आपको अपने पार्टनर से, एक्स पार्टनर से कोई सडन एक्शन आप रिसीव करो इन एक दो दिनों में, ठीक है। 24 to 48 hours के बीच आप अपने पार्टनर से एक सडन एक्शन कुछ रिसीव करो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये इंसान एकदम सडनली आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। सो ये एक एनर्जी मैं ऐसा बोलती हूँ कि फटा पोस्टर निकला हीरो और हीरोइन काइंड ऑफ, ठीक है। अचानक से आपके सामने आ धमकेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या, कहाँ से आ गई है, ऐसी एक एनर्जी, मतलब बहुत इम्पेशेंट एनर्जी है। अब ये अपनी फीलिंग्स को रिसिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, अब इनको लग रहा है कि बस और नहीं हो पाएगा, इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया सेपरेशन, बहुत हो गया दूर रहना, बहुत हो गया एटीट्यूड दिखाना, बहुत हो गया ईगो दिखाना। अब इनको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये और
सेपरेशन का और जो पेन है वो ये बेयर नहीं कर सकते हैं और इनको आपसे एक यूनियन चाहिए, एक रीयूनियन चाहिए, एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। तो चाहते क्या है, आपके साथ रीयूनाइट करना चाहते हैं, आपके साथ सडन कोई एक्शन लेना चाहते हैं, मतलब आपके टूवर्ड्स एक सडन एक्शन लेना चाहते हैं, कोई कॉल मैसेज या फिर आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। सो ये एक ट्रैवल का भी कार्ड है। ऐसा भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए कि आपके पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आधम के आपसे मिलने के लिए, ठीक है, ऐसा हो सकता है। सो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और सडन एक एक्शन लेना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है इनकी एनर्जी देख के। ऑब्स्टिकल क्या है इस रिश्ते में, लॉयल्टी हो सकती है ऑप्शन इस रिश्ते में, ठीक है। ये इंसान लॉयल नहीं रहे होंगे पास्ट में और ये इनको लग रहा है कि अब कैसे ये ट्रस्ट कैसे बिल्ड करेंगे आपके ऊपर। इनको लग रहा है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है, इनको बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आप इनको रिजेक्ट करोगे। आप अब ऐसे एक एनर्जी में हो जहां आप लेस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आपको बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा करेजियस दिख रहे हैं, आपको एक ऐसे एनर्जी में देख रहे हैं कि आपको कोई बकवास अब नहीं चाहिए, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात चाहिए। कमिटमेंट दे सकते हैं तो वेलकम, और अगर नहीं दे सकते हैं तो मतलब आप इनको गुड बाय करने में बिल्कुल भी टाइम अपना नहीं लगाओगे, ऐसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं। सो शॉर्ट टर्म आउटकम हमने पूछा था, शॉर्ट टर्म आउटकम क्या रिसीव करोगे इस पार्टनर के साथ आप। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपके पास एक्शन लिए, अगर आपके टूवर्ड्स ही एक्शन लिए, तो आप या तो इन यू नो बहुत सॉलिड अगर कोई आपको ये कमिटमेंट दे रहे हैं या फिर कोई प्रपोजल दे रहे हैं तो ही आप इनको वेलकम करोगे, अदरवाइज आप इनको कट ऑफ कर दोगे, इनको ऐसा लग रहा है, और सॉलिड ऑफर ये आपको नहीं दे पाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो मैक्सिमम लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, आपके पर्सन के लाइफ में कोई और एक इंसान है या उनकी फैमिली है जो कि आपके रिश्ते के लिए अप्रूवल नहीं दे रही है, या फिर कोई और इंसान है या फिर कोई सिचुएशन है या उनका करियर है, कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है जिनके चलते वो आपको स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, यही है ऑब्स्टेकल, ठीक है, जिसके चलते वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। उनको आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है, उनको आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग दिख रहा है और आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो अंदर से। पहली वाली एनर्जी आपकी नहीं है कि ये आके आपको बहला फुसला देंगे या एक हाय और एक हेलो में आप फिर से यू नो बहल जाएंगे, आप वैसी एनर्जी में भी नहीं हो। सो ये इनको ऑब्स्टेकल लग रहा है कि ये कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट या फिर कोई प्रपोजल आपको अभी नहीं दे सकते हैं, ये अभी की एनर्जी है। बाद की एनर्जी कुछ और हो सकती है, लेकिन अभी की एनर्जी इनकी ये है कि आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं। आपके साथ लंबा, अगर आप चाहें कि आप अगर चाह रहे हो मैरिज इनसे या आप चाह रहे हो कि यू नो कोई स्ट्रॉन्ग कोई स्टेबिलिटी ये लेके आए, तो अभी ये इस फेज में नहीं है कि आपको ऐसा कुछ कमिटमेंट दे सके। लेकिन यस, आपसे रीयूनियन ज़रूर चाहते हैं ये इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है। रीयूनियन में आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं। तो ये इंसान ऐसे हो सकते हैं जिनको मौज मस्ती करना बहुत पसंद है या फिर जो लाइट एनर्जी में रहना चाहते हैं। जब हेवी एनर्जी होती है ना तो ये भाग जाएंगे आपके पास से। ऐसे एक इंसान हो सकते हैं जो कि जिनको सोशलाइजिंग करना बहुत पसंद हो सकता है, लोगों से बात करना, इस तरह के इंसान हो सकते हैं ये। सो इनको हमेशा आपके साथ सेलिब्रेशन करना, घूमना फिरना, मजा मस्ती, एक लाइट एनर्जी में ये इंसान रहना चाहते हैं, ये कोई हैवी एनर्जी नहीं चाहते हैं। जब आप बहुत पॉजिटिव होंगे इनके लिए, किससे बात कर रहे थे, क्यों बात कर रहे थे, यहाँ क्यों गए थे, वहाँ क्यों गए थे, यहाँ क्यों देखा, वहाँ क्यों देखा, ये एनर्जी जब आप लेके आओगे ये भाग जाएंगे आपके पास से। इनको अगर आप पकड़ के रखना चाहोगे ये नहीं रहेंगे आपके पास, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे इनकी। आपके लिए पैशनेट बहुत है, लेकिन आपको आपके लिए फीलिंग्स भी हैं इनके मन में, लेकिन ये इंसान आपको एज फ्रेंड ज़्यादा देखते हैं, मतलब फ्रेंडशिप इनको ज़्यादा चाहिए, एक लाइट एनर्जी चाहिए। इनको बहुत ज़्यादा पजिसिवनेस, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पावर ये सब इनको नहीं चाहिए, बहुत हेवी एनर्जी इनको नहीं चाहिए, कोई लाइट एनर्जी में इंसान रहना चाहते हैं ऐसा दिख रहा है। सो आपके साथ रीयूनियन जरूर चाहते हैं ये इंसान, और लॉन्ग टर्म आउटकम में ये इंसान हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, हर पल को जीना चाहते हैं, हर पल को इंजॉय करना चाहते हैं, आपको भी खुश रखना चाहते हैं, खुद भी खुश रहना चाहते हैं। लेकिन इनसे अगर आप ये सोच रहे हो कि ये किसी को छोड़ के आपके पास आ जाएंगे या फिर किसी सिचुएशन को छोड़ के आपके पास आ जाएंगे या अपनी फैमिली को छोड़ के आपके पास आ जाएंगे या फिर आपके लिए कोई ऐसा डिसीजन भी लेंगे, तो मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है कि ऐसा कोई डिसीजन ये लेंगे, या इनकी लाइफ में अगर कोई है ऑलरेडी तो उनको छोड़ के आपके पास आ जाएंगे, तो अभी की एनर्जी उनकी मुझे ऐसी नहीं दिख रही है, ठीक है। हो सकता है कि बाद की एनर्जी उनकी हो, लेकिन अभी की एनर्जी उनकी इस तरह की मुझे नहीं दिख रही है कि किसी को छोड़ के आपके पास आएंगे। ये बैलेंस करने वाले इंसान हैं, ये अपनी फैमिली को भी लेके चलेंगे, आपको भी लेके चलेंगे।
अगर अपनी इनकी फैमिली के साथ अगर आप बैलेंस कर रहे हो तो ये आपको भी कभी भी दुख तकलीफ में नहीं देख सकते हैं, ऐसे एक इंसान है। अगर आप इनके प्रॉब्लम्स को साथ में समझ के बूझ के अगर आप चल रहे हो इनके साथ, तो आपको कभी ये तकलीफ होने नहीं देंगे, आपकी भी एनर्जी को कभी डाउन होने नहीं देंगे, आपको भी कभी होता है ना कि डिमोरलाइज नहीं करेंगे, आपको भी कभी अपसेट नहीं करेंगे, दुखी नहीं करेंगे, ऐसे एक इंसान है। सो ये सबको खुश रखने वाले एक इंसान हो सकते हैं, सबके बारे में सोचने वाले एक इंसान। सिर्फ अपने बारे में सोचना, सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोचना ऐसे एक पर्सन नहीं है। किसी का दिल दुखाने में इनको तकलीफ होती होगी, ऐसे एक इंसान हो सकते हैं, लेकिन आपका दिल ये बहुत दुखाते होंगे, क्योंकि ये आपकी लाइफ में आए इसलिए हैं ताकि कुछ चीज़ों को आप रिलीज़ कर पाओ और अपने जर्नी में आप एक स्टेप, दो स्टेप या फिर कुछ स्टेप्स आप आगे जा पाओ, इसलिए इंसान आपके लाइफ में आए हैं। तो इनका आना आपके लाइफ में डेस्टिन था, जो कि हुआ, ठीक है। सो ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स है। ओवरऑल जो एनर्जी मुझे दिख रही है वो भी किंग ऑफ वॉन्ड्स की है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की है सॉरी, जो कि बहुत पैशनेट रिश्ता को बताती है। बहुत ज़्यादा पैशनेट है इंसान आपके लिए और हमेशा आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। सो ये एक इंसान ऐसे हो सकते हैं कि जिनसे बार बार आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं और लगता है कि फिर पीछे से कोई खींच दिया मुझे और फिर आप वहीं आके खड़े हो जाते हैं, आपको ऐसा लगता है। सो बहुत मेहनत करने के बाद, 3-4 महीने इनसे अलग रहने के बाद, आपको लगता है कि आपकी वाइब्रेशन हाई हो गई है, अब आप जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गए हैं, अब ये इंसान आपकी लाइफ में अगर आएंगे तो आप फिर से ट्रिगर नहीं होंगे, आपको ऐसा लगता है। लेकिन ये इंसान आते हैं और अब फिर से आपको ट्रिगर करते हैं, क्योंकि आपके अंदर के नेगेटिविटीज़ को ये आपको दिखाते हैं, और जो चीज़ आपके अंदर दबी होती है, जो आपके शैडो होती है, वो सरफेस में आ जाती है इनको देखने के बाद, ठीक है। सो ये आपके मिरर हैं, आप इनको ये बोल सकते हैं कि आपके मिरर हैं, जिनके सामने आते ही आपकी सारी चीज़ें जो है वो बाहर आ जाती है, ठीक है। ये इंसान आपकी लाइफ में आपको कुछ टीच करने के लिए, कुछ सिखाने के लिए आए। मैंने बोला ना कि कुछ आप इनको सिखाने के लिए इनसे मिले हो और कुछ ये आपको सिखाने के लिए आपकी लाइफ में ये आए हैं, और बहुत आपको स्पिरिचुअली ये ग्रो करेंगे, आपकी सोल ग्रोथ के लिए इंसान आपकी लाइफ में आए हैं। सो जब भी ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं तो वो रिश्ता हमेशा पेनफुल ही होता है, लेकिन यस, 1-2 साल के अंदर आप अपने आप को ऐसी जगह पाओगे जहाँ आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म आप हो जाओगे कि इस इंसान को आप सिर्फ एक इंसान के रूप में नहीं, आप इनको कुछ और नज़र से देखने लगोगे। मतलब बहुत हाईली इनके लिए इंटेंसिटी जो है वो आपके बढ़ जाएगी, आप इनको डिवोटी की तरह देखने लगोगे, कि क्योंकि ये इंसान अगर आपकी लाइफ में नहीं आते तो आप इतना ट्रांसफॉर्म नहीं होते। ये इंसान है जो कि अननोइंगली आपको आपकी हाईएस्ट सेल्फ से आपको मिला दिया है, ये इंसान है जो कि आपको आपके बेटर वर्जन से मिला दिया है, ये इंसान है जो कि आपकी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया है, ठीक है। इन्होंने आपको फैमिली मान लिया है, भले ही आप इनकी फैमिली हो चाहे नहीं हो, आपके साथ इनकी सारी खुशियां हैं, इनकी लाइफ की सारी खुशियां ये दिखाते चाहे जो भी हो, लेकिन ये इंसान, इनकी खुशी आप से ही है और आपको ही ये फैमिली मानते हैं, भले इनकी फैमिली हो या आप इनकी फैमिली नहीं हो, लेकिन आप इनकी ये जो है आपको फैमिली मानते हैं अपनी, ऐसी एनर्जी मुझे इनकी दिख रही है, ठीक है। सो आपके बारे में कोई उल्टा फुल्टा अगर बोलते होंगे ना इनको, तो ये लड़ जाते होंगे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान ज़रूर लेंगे, लेकिन आपको इनकी कुछ चीज़ों को मानना होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे फिर से दिख रहा है, तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके पास्ट लाइफ से हैं, और एक लाइफ नहीं, आपने कई लाइफ साथ में जिए हैं, जिसके चलते आप इतना इंटेंस फील करते हो इस इंसान के लिए, और इस इंसान को छोड़ के आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। यही एक रीज़न है, क्योंकि आपको ये इंसान पुल करते हैं जब जब आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो ठीक है। सो ये आपके पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो गया। अब हम बात करेंगे आपके न्यू लव के बारे में। सो आपके न्यू लव जो हैं, जो कि इंसान आपकी लाइफ में अभी आए हैं, उनके जो साइन है मुझे दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। टॉरस बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस अगेन, ओके, यस, ये कुछ साइंस हैं जो मुझे दिख रहे हैं, ओके। ये इंसान जो है मुझे बहुत लेज़ी दिख रहे हैं, प्रपोज़ करने में भी लेज़ी दिखाएंगे, प्यार बहुत करते हैं, अनकंडीशनल लव है इनको आपसे, प्यार करते हैं, लेकिन बहुत लेज़ी हैं, बहुत चीज़ों को आराम से लेके जाएंगे, धीरे धीरे, स्लो एंड स्टेडी, मतलब बहुत सोच समझ के, बहुत सोच विचार करने के बाद ये कुछ करेंगे। इनकी एनर्जी पेशेंट, मतलब बहुत पेशेंट वाली एनर्जी है, बहुत आराम से सोचेंगे समझेंगे फिर कोई चीज़ करेंगे, तब तक गाड़ी निकल जाएगी, ठीक है। ऐसे एक इंसान हो सकते हैं ये। ये इंसान ऐसे हो सकते हैं कि ये अपने सारे पैशन को जीते हैं, ऐसे के इंसान हो सकते हैं। जो भी पैशन इनमें है, पैशन कुछ भी हो सकता है, या फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट का बजाना, या फिर किसी
सिंगिंग का या फिर कोई डांसिंग का या फिर कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं इंसान। सो अपने पैशन को ये इंसान जीते हैं, ऐसे एक इंसान हो सकते हैं, और ये इंसान आपको भी बहुत इनक्रेज करेंगे ताकि आप अपने पैशन को जिए, ठीक है। बहुत इनक्रेज करेंगे आपको कि आप ये कर लें, वो कर लें, आप सब कुछ कर लें, ऐसे एक इंसान हो सकते हैं ये, ठीक है। ओके, इनकी फीलिंग्स क्या है? मुझे ये जगलिंग करते दिख रहे हैं ज़रूर, लेकिन एक क्लैरिटी इनको ज़रूर है। ये अपनी फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देने वाले एक इंसान हो सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी फैमिली होगी, ऐसी इनकी एनर्जी है, ठीक है। पास्ट में हो सकता है कि ये इंसान जगल कर रहे थे, लेकिन अभी इनको एक क्लैरिटी ज़रूर मिली है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि रिवर्स में काट रही है, ठीक है। ओके, इंटेंशन क्या है? इंटेंशन की ये है कि अगर आप इनके फैमिली को पसंद आओगे या फिर आप इनके फैमिली के साथ कॉपरेट करने के लिए रेडी हैं, तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ये आपसे मैरिज ज़रूर करना चाहते हैं, मुझे ये दिख रहा है। और यू नो क्लियर है ये कि आपको, आपसे मैरिज करती हैं इनको, ये आपको बहुत हाई, मतलब आप में कैपेबिलिटी बहुत है, ये आपको ऐसा देखते हैं कि आप में बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ आप में बहुत है, लेकिन उन क्वालिटीज़ को ये हमेशा आपको बोलते जाएंगे कि आप में ये कमी है, आप में वो कमी है, आप इसको बुरा करो, आप उसको बुरा करो, आप ये कपड़े पहनो, आप वो कपड़े पहनो। सो ऐसे एक यू नो हमेशा एक क्या कहते हैं उसको, जजमेंटल होते रहेंगे कि ठीक है, हमेशा आपको कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। बट ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा एक हाई स्टेटस फेमिनाइन एनर्जी में आपको देखते हैं। सो ऐसी एक एनर्जी जिसमें कि आपको ऐसा हो सकता है कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल इनके लिए हैं, बहुत आपका ड्रेसिंग सेंस इनको बहुत पसंद है, आप बहुत नर्चर हैं, बहुत केयरिंग हैं, ऐसे एक इंसान हो सकते हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है कि इनके लाइफ में एक और ऐसे इंसान हैं जो कि फेमिनाइन एनर्जी ज़रूर है, लेकिन थोड़े से वो जो हैं कैसे बताऊँ, इतने केयरिंग नहीं है, इतने लविंग नहीं है, इतने नर्चर नहीं है। सो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो न्यू पर्सन आपके लाइफ में है, ये मैरिड है किसी से, और इनके लाइफ में जो इंसान है वो इतने लविंग, इतने केयरिंग नहीं है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो ये एक इंसान मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि इगोइस्टिक हो सकते हैं आपके न्यू पर्सन जो हैं, वो डोमिनेटिंग हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप इनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो ये आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे, ऐसी की एनर्जी मुझे दिख रही है इंसान की। कंट्रोल करना चाहेंगे इंसान, ठीक है, ये इंसान किसी भी एनर्जी में है, जेंडर मैटर नहीं करता है, किसी भी एनर्जी में है, लेकिन ये आपको कंट्रोल करना चाहेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है इनकी लाइफ में जो ऑलरेडी जो इंसान या तो थे या हैं, ठीक है, या फिर कोई पास में ऐसे इंसान थे या फिर कोई है जो कि बहुत अब्यूसिव हैं, जो कि बहुत यू नो डिज़ास्टर लाइफ इनकी थी रही है उनके साथ, और ये इंसान डरते हैं अब रिलेशनशिप में आने में, ऐसा लग रहा है, इसलिए लेजीनेस है। प्यार इनके मन में आपके लिए बहुत है, लेकिन ये इंसान का एक डर है कि पास्ट का रिलेशनशिप जैसा था इनका, ये यू नो सेम वही चीज़ें रिपीट होंगी कहीं, ऐसा इनको लगता है। इनको ऐसा लगता है कि अभी तो आप इनसे प्यार करते हो, लेकिन ये इंसान जो है बाद, मतलब अभी तो आप इनसे प्यार करते हो लेकिन बाद में जाके आप इनको प्यार नहीं करोगे, आप यू नो आप वैसे ही जैसे पास्ट का रिश्ता इनका रहा है वैसे ही हो जाओगे, केयर नहीं करोगे, फीलिंग्स आपके मन में नहीं रहेगी इनके लिए ऐसी। तो शॉर्ट टर्म आउटकम अगर हम देख रहे हैं तो इनके भी मन का प्यार जो है आपके लिए ख़त्म होता मुझे दिख रहा है, ठीक है। शॉर्ट टर्म आउटकम में ये इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन इनका सही नहीं था, इसलिए ये वुंडेड है इंसान, इनको हीलिंग की ज़रूरत है, जिससे कि इनको ऐसा लगता है कि सारे रिलेशनशिप कुछ दिन अच्छे रहते हैं फिर बाद में जाके वो ख़राब हो जाते हैं। कुछ दिन तक लोग यू नो काम करते हैं रिश्ते में और उसके बाद जो है अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं लोग, इनको ऐसा लगता है। सो इनकी लाइफ जो है वो डिज़ास्टर रही है पास्ट का रिलेशनशिप। कोई ऐसे इंसान इनके लाइफ में थे या हैं जो कि इनका जीना हराम करके रखे हैं या रखे थे, और जो कि इनकी ज़िंदगी से बहुत जिन्होंने खेला है, और ये इंसान जो है अनकंडीशनल लव में थे उस इंसान के साथ भी, लेकिन क्योंकि चीज़ें सही नहीं हुई है इसके चलते कि इंसान का जो विश्वास है मुझे लग रहा है कि प्यार से कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है। लेकिन ये इंसान फिर से एक रिश्ते में आना ज़रूर चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इनके लाइफ में कोई ऐसे इंसान आए जो कि इनको बहुत नर्चर करें, जो कि इनको बहुत लव केयर करें, लेकिन ये क्योंकि अंदर से मुझे वोंडेड दिख रहे हैं, इसलिए ये अपना 100% इस रिलेशनशिप में नहीं देंगे जब तक ये हील्ड नहीं होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो फीलिंग्स में एक क्लैरिटी इनको है कि इनको आपके साथ आगे बढ़ना है। इंटेंशन में ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, चाहते क्या हैं,
ये चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ओवर पावर इनको ना करें, इनको बहुत ज़्यादा जैसे पहले का रिश्ता इनका था वैसा बिल्कुल ना करें, पॉजिटिव ना हो इनके लिए, इनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश आप ना करें। सो यू नो कहीं ना कहीं ये जो है आपसे नहीं बल्कि एक रिश्ते से डरते हुए मुझे दिख रहे हैं इंसान, ठीक है। ओके, ऑब्स्टिकल क्या है? ऑब्स्टिकल ये है कि ये इंसान, इनको पता है कि इनके लाइफ में कोई ऐसा रिश्ता या तो है जिनको कि इन्हें ख़त्म करना है और एक नए रिश्ते में इनको जाना है, लेकिन ये कहीं ना कहीं फियर में है और कर नहीं पा रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं फियर से डील कर रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं। आउटकम क्या रिसीव करोगे आप? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनको बहुत हीलिंग की ज़रूरत है, और हील होने के बाद में भी ये इंसान जो है इस एनर्जी में नहीं रहेंगे। और एक चीज़ कि ये जो रीडिंग है न्यू लव के लिए, वो आप तभी देखोगे जब आपके लाइफ में कोई इंसान है, उनको सोच के ही आप देखोगे। अगर आपके फ्यूचर लव को आप सोच के देख रहे हो कि कोई इंसान आपके लाइफ में आएगा तो कैसा होगा, ये उसके लिए नहीं है। ये अभी अगर आपके लाइफ में करंटली कोई इंसान है उनको सोच के आप देखो, उनके लिए रीडिंग है, ठीक है। सो मुझे ये लग रहा है कि आउटकम में क्या रिसीव होगा, लॉन्ग टर्म आउटकम में ये इंसान काम करना नहीं चाहेंगे इस रिश्ते में, मुझे ऐसा दिख रहा है। लॉन्ग टर्म आउटकम में ये इंसान चाहेंगे कि सिर्फ आप एफर्ट लगाएं और ये इंसान एफर्ट नहीं लगाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि सारे कार्ड्स हैं एक तो रिवर्स में आए हैं, और एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें बताता है मेंटेनेंस को, जो चीज़ें खराब हो गई हैं वो चीज़ों को ठीक करके, यू नो सही करके, अपने अंदर एक बेटरमेंट लाके रिश्ते को बेटर करना, जो कि ये इंसान नहीं करेंगे। क्योंकि लॉन्ग टर्म आउटकम में मुझे नहीं दिख रहा है कि ये इंसान काम कर रहे हैं, फिर भी हम इसको क्लैरिफाई कर लेंगे, ठीक है। प्लीज़ गाइड डिवाइन, एट ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई करें प्लीज़। व्हाट इज एट ऑफ पेंटिकल्स हियर? लॉन्ग टर्म आउटकम में क्या रिसीव होगा मेरे व्यूवर्स को अपने न्यू लव से? डिवाइन प्लीज गाइड, प्लीज। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि म्यूचुअल लव होगा आपके बीच, लेकिन टाइम लगेगा इस इंसान को हील होने में। कुछ चीज़ें हैं जो इनको छोड़नी होगी पीछे, और यू नो जो भी इनकी यादें हैं पास्ट से लेके, पास्ट के रिश्तों को लेके, जो इनकी जो भी फीलिंग्स है उन सबको रिलीज़ करना होगा इनको। अगर ये रिलीज़ करेंगे, अपने स्ट्रेंथ में आएंगे, अपने रियल फॉर्म में अगर ये आएंगे, तो आप दोनों के बीच चीज़ें ठीक हो सकती हैं, और ये इंसान आपसे मैरिज करके, यू नो ये भी आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन ही दिख रहा है मुझे। सो ऐसा ही होता है जब स्पिरिचुअल कनेक्शन में अगर आप किसी ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में सोलमेट्स ज़रूर होते हैं, कार्मिक्स भी होते हैं। सो कुछ लोग आपको मैंने बोला ना कि हर इंसान आपके लाइफ में कुछ ना कुछ रोल प्ले ज़रूर होता है, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ज़रूर आते हैं हर इंसान, तो वैसे ही मुझे लग रहा है कि ये भी आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन ही है। और ये इंसान जो है, चीज़ें ठीक ज़रूर होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको छोड़नी होगी। ये पास्ट में अटक गए हैं, या तो फिर पास्ट से निकलना नहीं चाहते हैं और पास्ट की यादों को दिल से नहीं निकाल रहे हैं, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो कि इनको रिलीज़ करनी है। अगर ये उन चीज़ों को रिलीज़ करेंगे, तब जाके ये रिश्ता आपका बेटर हो पाएगा। अब ये जो एनर्जी है, ये आपकी भी हो सकती है कि आप इस रिश्ते से इतना ज़्यादा आप हर्ट हो चुके हो कि अपना 100% आप इस रिश्ते में नहीं दे पा रहे हो। सो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको छोड़ के चले जाएंगे, या फिर ये इंसान आपको बिट्रेट करेंगे, आपको फिर से आपके साथ वो चीज़ें रिपीट होंगी। अगर आपके मन में ये चीज़ें हैं, तो आपको रिलीज़ करनी होंगी चीज़ें। और मुझे इस इंसान के लिए लग रहा है, क्योंकि हम आपके न्यू लव के लिए देख रहे हैं, सो अगर आपकी बातचीत होती है तो उनको हीलिंग के लिए ज़रूर कहें। जब तक वो पास्ट की चीज़ें रिलीज़ नहीं करेंगे, तब तक वो किसी नए रिश्ते में अपना 100% नहीं दे पाएंगे। और फिर से मैंने बोला ना कि वो पास्ट की चीज़ें इस रिश्ते में वो शैडो वाला काम करेंगे, फिर से चीज़ें यहाँ पे रिपीट होंगी, ठीक है। सो ये इनको हीलिंग की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रांगली। अगर ये इंसान अपनी हीलिंग करें, तो ये इंसान जो है म्यूचुअल लव होगा आप दोनों के बीच में। देखा मैंने बोला ना कि प्रपोज करने के बाद हो सकता है कि इस रिश्ते में भी आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़े, आपके जो न्यू रिलेशनशिप है उसमें भी हो सकता है कि आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़े। और अगर चीज़ें आप दोनों पास्ट की चीज़ें अगर आप दोनों ही रिलीज़ नहीं कर रहे हो, तो फिर से यहाँ पर चीज़ें रिपीट होंगी, ठीक है। अबैंडनमेंट का डर या तो आपको है, या तो फिर इस इंसान को है। प्रपोज ज़रूर करेंगे, चीज़ें आगे ज़रूर बढ़ेंगी, लेकिन यू नो बीच बीच में आपको या फिर इनको ऐसा लगेगा कि आप इनको धोखा दे दोगे, छोड़ दोगे आप इनको, ऐसी की एनर्जी दिख रही है।
टेक अ ब्रेक, ये तो हम दोनों के लिए निकाले थे, एनर्जी तो हम इससे नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान, इनको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। अगर आप, अगर ये इंसान हील कर रहे हैं और ये यू नो चीज़ों को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी हीलिंग करके कुछ पास्ट की चीज़ें रिलीज़ कर रहे हैं, तब डेफिनेटली चीज़ें सही हो सकती हैं आप दोनों के बीच और एक अच्छा रिश्ता आप इनके साथ जी सकते हो, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि ये अपनी हीलिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ठीक है, सो हम एंजल्स गाइडेंस ज़रूर देखेंगे आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए और किस इंसान को आपको रिलीज़ करना चाहिए और किस इंसान को आपको मौका देना चाहिए, ये हम चेक करेंगे। एंड प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के एक्स पार्टनर के लिए गाइडेंस है डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के एक्स पार्टनर के लिए गाइडेंस है डिवाइन। टाइम प्लीज़, नो अभी के लिए आपके एक्स पार्टनर के लिए नो है। ठीक है, इसलिए क्योंकि इनकी हीलिंग नहीं हुई है। अगर ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे तो ये इंसान आपको फिर से यू नो तकलीफ दे सकते हैं। तो अगर अभी आप ये सोच रहे हैं कि इस इंसान को आप फिर से मौका दोगे, तो अभी के लिए इंसान नहीं है। न्यू लव आपकी लाइफ में तभी आते हैं जब आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो न्यू लव है ये टेम्प्ररी हो सकता है आपकी लाइफ में और ये कुछ दिन के लिए आपके साथ रहेंगे और फिर यू नो जब तक इनकी हीलिंग नहीं होती तब तक ये इंसान आपको सपोर्ट के लिए रहेंगे। एक सोलमेट की एंट्री तभी होती है आपके लाइफ में जब आपको सपोर्ट चाहिए होता है। सो सपोर्ट में भी ये दे के और ये रिलीज़ हो जाएंगे और मे बी ये इंसान रह जाएंगे आपकी लाइफ में कुछ लोगों के लिए, या फिर कुछ लोगों के लिए ये इंसान रिलीज़ होंगे और आपकी लाइफ में न्यू लव होंगे। सो आपको पता है आपकी लाइफ की सिचुएशन की कौन एब्यूसिव है आपके लाइफ में और किसके साथ आपकी एनर्जी ड्रेन्ड होती है, किसको आपको रिलीज़ करना है और किसको आपको मौका देना है, आपको ये पता होगा। ठीक है, हेल्पफुल पीपल, ये चीज़ें, ये रिश्ता आपका तब ठीक होगा जब आप अपने सोल पर्पज़ पे आओगे, तब आपका ये रिश्ता ठीक होगा। ठीक है, अदरवाइज़ आपका ये रिश्ता जो है वो ऐसे ही चलेगा, ऑन एंड ऑफ, या फिर यू नो बहुत स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ट्रिगर्स ऐसे। ठीक है, हम देखेंगे न्यू लव के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के न्यू लव के लिए गाइडेंस है डिवाइन, क्या करना चाहिए उनको। नो नीड टू वरी का कार्ड यहाँ पे है एंड येस है यहाँ पे। ठीक है, सो येस मुझे यही लग रहा है कि अभी के लिए आप जो हैं अपने एक्स पार्टनर पे ध्यान नहीं दें। अभी आपके लाइफ में जो न्यू लव है आप उनके साथ गो विद द फ्लो में रहें, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश मत करें अभी। ये इस रीडिंग की गाइडेंस है। ठीक है, अब नो का मतलब यहाँ पे हमेशा के लिए नो नहीं होता है और येस का मतलब यहाँ पे हमेशा के लिए येस नहीं होता है। कन्फ्यूज हो रहे होंगे आप लोग, मैं क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका, ये जो है बहुत रिश्ता आपका स्ट्रांग होगा। ठीक है, अभी के लिए नो इसलिए है क्योंकि ये इंसान खुद से आपकी तरफ बढ़ेंगे अगर अपनी हीलिंग करके, और आपकी हीलिंग पूरी होने के बाद जब ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे, अगर ये इंसान खुद से आपकी तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये हील होके अपनी ट्रू सेल्फ में आपके पास आ रहे हैं, उसके बाद ये आपको ट्रिगर नहीं करेंगे। लेकिन अगर अभी आप इनको यू नो अभी आप इनके पास अगर आप चले जाओगे सो होगा ये कि आपको फिर से ट्रिगर करेंगे, क्योंकि ना आप हील्ड हैं अभी ना ये हील्ड हैं। ठीक है, सो अभी के लिए इंसान नो है। ये रिश्ता तब ठीक होगा जब आप अपनी सोल पर्पस पे आओगे। आप कुछ ना कुछ करने के लिए, कुछ ना कुछ आपका सोल पर्पस है, आप यहाँ पे ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए आप आए हो यहाँ पे। सो ये चीज़ें जब आप समझोगे तब जाके ये रिश्ता आपका हील होगा, तब ये इंसान आपकी लाइफ में वापस री एंटर करेंगे। अब ये इंसान जो है नो नीड टू वरी का कार्ड यहाँ पे है। जो भी है आपका रिश्ता इस इंसान से, वो डिवाइन ये कह रहे हैं कि ये आपको सपोर्ट मिला है एक। ठीक है, ये कुछ दिन का सपोर्ट हो सकता है या फिर आपका लाइफ टाइम का सपोर्ट हो सकता है। अगर ये इंसान बहुत अब्यूसिव हैं, इन्होंने आपको बहुत यूज़ किया है, एक ऑब्जेक्ट की तरह ये इंसान आपको देखे हैं, तो ये इंसान आपकी लाइफ में परफेक्ट होंगे जिनकी एंट्री अभी हुई है। कुछ हीलिंग के बाद ये इंसान आपके यू नो आपको म्यूचुअल लव, जैसा प्यार आप उनको करेंगे वैसा ही प्यार वो आपको करेंगे, लेकिन चीज़ें हील होनी चाहिए तभी। येस का कार्ड, अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन था जो कि आप जानना चाहते थे, तो उसका आंसर यस है अभी के लिए। यस का मतलब हमेशा के लिए यस नहीं होता है, लेकिन अभी के लिए जो क्वेश्चन आपके दिमाग में था उसके लिए यस है। ठीक है,
तो मुझे ये लग रहा है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, गो विद द फ्लो में रहें आप लोग। अगर कोई इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं, आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, उनसे बातचीत ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो जब तक इनको पूरी तरह से आप नहीं जानें। अगर ये अपनी हीलिंग कर रहे हैं, अगर ये आपको शादी का प्रपोजल दे रहे हैं और शादी तक अगर बात जा रही है, तो इस इंसान के साथ आप ज़रूर आगे बढ़ें। लेकिन अगर ये इंसान भी इसी इंसान की तरह अगर आपको ट्रिगर कर रहे हैं सिर्फ, या फिर सिर्फ तकलीफ दे रहे हैं, या फिर आपको ड्रेन्ड कर रहे हैं, तो इस इंसान के लिए भी आपको पॉज लेने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी आप अपने लाइफ के सिचुएशन को लेके आप आगे का डिसीजन लें कि आपको क्या डिसीजन लेना है। सही डिसीजन लें ताकि आपको आगे जाके कोई रिग्रेट ना हो, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सोच समझ के डिसीजन लें, जो भी डिसीजन आपको लेना है। डिवाइन को सरेंडर करें, उनसे प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करें आगे के डिसीजन लेने में, और उसके बाद आप डिसीजन लें, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू माई डियर व्यूअर्स। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।